अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हमने कुछ सॉलिड शेप्स पढ़े थे जो कि किसी फ्लैट शेप से ही हमें फेसेस देते हैं। क्या आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने आपको बताया था? वाओ, वेरी नाइस। और स्टूडेंट ने अपना होमवर्क किया था? मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने अपना होमवर्क ज़रूर किया होगा, होपफुली। एंड टुडे वी हैव डिफरेंट शेप्स विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके? हम दूसरे शेप्स आगे पढ़ते हैं जो कि सॉलिड शेप्स हैं, और सॉलिड शेप्स जो कि फ्लैट, कोई ना कोई फ्लैट शेप ही बना रहे होंगे, ठीक। और उसके फेसेस जो होते हैं वो फ्लैट शेप से मालूम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑन पेज नंबर 37 कम, लेट्स सी व्हाट दिस ऑन द स्टार्ट। यस, इट्स अ स्फीयर जो कि सर्कुलर फेस बना रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया, अ स्फीयर हैज अ कर्व सरफेस दैट गोज ऑल राउंड द शेप, पूरे शेप के पूरे तरफ को राउंड एंड राउंड जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्फीयर। और उसका फ्रंट फेस जो आगे वाला शक्ल है, पहली शक्ल जो नज़र आती है, वो कैसी लगती है? सर्कल की जैसी लगती है। वेरी नाइस। और आपने ऐसी चीज़ें कहाँ कहाँ और कौन कौन सी देखी जो मैंने आपको बताई थी, क्या वो ही आपको याद है? यस, सन एंड मून। ऐसे हमने सन और मून को ज़्यादा नोट कर सकते हैं अपनी साइंस की बुक में, जिसमें प्लैनेट्स भी बने होते हैं, वो भी सर्कल राउंड एंड राउंड होते हैं, सन एंड मून भी राउंड एंड राउंड होते हैं, तो दीज ऑल आर स्फीयर। अच्छा, इसके अलावा बताइए कौन सी चीज़ जो है वो स्फीयर है? क्या आपने कोई ऐसा फ्रूट देखा है जो कि गोल एंड गोल, राउंड एंड राउंड हो? हैव यू सीन? याद नहीं आ रहा, सोचे सोचे और सोचें, मुझे तो याद आ गया है, इट्स एन ऑरेंज। ऑरेंज भी तो राउंड एंड राउंड सर्कल की तरह होता है, इट्स कॉल्ड स्फीयर। और इसके अलावा सोचें, क्या आप जब प्ले करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें राउंड एंड राउंड, सर्कल एंड सर्कल होती हैं? दैट आर बॉल्स एंड फुटबॉल्स। यस, एग्जैक्टली राइट। ये जो फुटबॉल्स राउंड एंड राउंड फेसेस हैं, ये भी स्फीयर कहलाते हैं, ठीक है। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको और भी चीज़ें अगर नोट करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो स्टार्ट में, यानी कि बिल्कुल आगे से राउंड एंड राउंड फेस बनाएंगे सर्कल के जैसे, और पूरा गोल गोल ही गोल होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी वो? यस, वो कहलाएंगी स्फीयर। ऐसा राउंड एंड राउंड एक ग्लोब भी तो होता है, दुनिया का नक्शा, दुनिया अर्थ भी तो राउंड एंड राउंड है, साइंस की बुक में बनी है। और इसके अलावा भी ढूंढिएगा, अपनी बुक्स को सर्च कीजिएगा, और अपने वो अपने घर को भी देखिएगा कि आपके पास राउंड एंड राउंड चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। और जो राउंड एंड राउंड होंगी वो क्या कहलाएंगी? विद मी, स्फीयर। वंस अगेन, स्फीयर, राउंड एंड राउंड थिंग्स आर स्फीयर। S-P-H-E-R-E, S-P-H-E-R-E। आपको याद भी कर लेनी है स्पेल, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट लेना है और साथ के साथ आपको स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है। S-P-H-E-R-E, स्फीयर। वंस अगेन, S-P-H-E-R-E, स्फीयर। वेरी गुड। अच्छा जी, नीचे तो आए, अगली चीज़ क्या बनी हुई है? इट्स अ सॉलिड शेप एंड इट्स लुक लाइक, किसके जैसा लग रहा है? Exactly, it's look like an egg, अंडा, egg। वो भले मुर्गी का अंडा हो या किसी और एनिमल का, लगता ऐसा ही है ना? Yes, wow। तो इस अंडे को क्या कहते हैं? Oh, I mean this shape is called ovoid। What's called ovoid? O-V-O-I-D, ovoid। कैसा है ये? है तो थोड़ा राउंड, लेकिन अप एंड डाउन से, यानी कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा लॉन्गर है, है ना? ऐसा ही है ना? और एग को भी आप देखें तो बीच से तो वो गोल गोल ही होता है, लेकिन ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ऊंचा होता है, अप होता है, लॉन्गर होता है ना? और ऐसी चीज़ें कहाँ हैं और क्या क्या देखी हैं? ऐसे काउचेस भी होते हैं, और ऐसे क्या होते हैं, स्पेस शिप भी होते हैं। और इसके अलावा अपने टॉयज़ में भी देखिएगा, आपके खिलौनों में भी बहुत सारी चीज़ें जो ओव्यूल्ड होंगी, ठीक है। चेक कीजिएगा और फिर याद रखिएगा, फिर हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने अपना काम बहुत मज़े से किया है, ठीक है। तो
अब हमारे पास ओ ओ वाइट भी हो गया, और ओ वाइट के बाद हमारी तीसरी शेप देखें तो क्या बनी हुई है, अ सिलेंडर हैज टू सर्कल्स एंड द कर्व रेक्टेंगुलर सरफेस। सिलेंडर कैसा होता है, ऊपर और नीचे से सर्कुलर होता है और दरमियान से एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता है। क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं? कौन मुझे बताएगा इस शेप को देख के क्या याद आ रहा है? जहन में किसी को पेप्सी का केन याद आ गया? वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, ऊपर और नीचे से सर्कुलर और दरमियान से क्या है, एक रेक्टेंगुलर, किसी लेंथ से ये दोनों सर्कुलर जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारी बॉटल्स, बहुत सारे स्प्रे एंड मॉस्किटो स्प्रे एंड रूम स्प्रे एंड बॉडी परफ्यूम्स, तमाम ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे ही होते हैं ना, सिलेंडर टाइप, ऊपर स्ट्रेट होते हैं और ऊपर से राउंड और नीचे से राउंड, ऐसे आपने देखे तो उनको कहते हैं हम सिलेंडर। आपकी पानी की बॉटल जो होती है उसको तो आप देख लें, क्या इस तरह की है? यस, इट्स लाइक अ सिलेंडर। गैस सिलेंडर गाड़ी में भी है, जिसमें हम गैस फिल करवाते हैं, वो भी कॉल्ड सिलेंडर। ऊपर और नीचे से गोल, सर्कुलर और दरमियान से रेक्टेंगुलर। और भी ढूंढें तो आपको बहुत सारी ऐसी सर्कुलर चीज़ें और ट्राइंगुलर चीज़ें मिल जाएंगी जिनको हम कहेंगे सिलेंडर। ठीक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ने आज सॉलिड शेप्स में कौन कौन सी न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं? यस, इट्स अ स्फीयर एंड अ ओवाइड एंड अ सिलेंडर। स्पेल सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। और स्टूडेंट्स को ये रिव्यू करना है, अपने पेज नंबर 37 को पढ़ना भी है, याद भी करना है और बहुत सारी चीज़ों को देखना है, सर्वे करना है कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेंडर हैं, स्फीयर हैं या ओव्यूड हैं। और जब टीचर आपको कॉल करें तो उनको बताइएगा कि आज हमने कुछ न्यू सॉलिड शेप्स को पढ़ा है, देखा है और सर्वे किया अपने घर पे। ठीक स्टूडेंट्स, इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैथ से कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।